大爹，भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? बाबा, बड़ी भाभी अब नहीं रही बाबा। हाँ? वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हम सब लोग 12 वर्षों के बाद फिर एक साथ यहां मिले, परंतु ऐसा लगता है कि हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली आत्मा ही हमसे बिछुड़ गई है। आप दोनों को देखने की आशा में ही जी रही थी वो, लेकिन जब हमें यहां आने की अनुमति मिली वो उसके पहले ही चल बसी। जीवन रूपी कहानी के पात्र इसी तरह एक एक करके बिछुड़ते हैं। बाबा राव का पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास है, भाभी की आत्मा इस समय भी निश्चित रूप से हमारे बीच में है, यहीं कहीं। आप यहां क्यों खड़े हैं? हवा लग जाएगी। आपका स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं रहता, डॉक्टर से चेकअप कराइए ना। नहीं दात्या, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि कष्ट सहने की अंतिम सीमा क्या है। वो तो भाभी के ना रहने से आपने देख ली, वो मानसिक कष्टों की सीमा थी। शारीरिक कष्टों की सीमा देखना भी बाकी। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी हमने संघर्ष नहीं छोड़ा। धर्म परिवर्तन का घृणित कार्य बंद करवा दिया है, सैकड़ों कैदियों को सुशिक्षित किया है, उन्हें जीने की प्रेरणा दी है। बाबा राव, मेरा ख्याल है कि जल्द ही ये गोरी सरकार हमें छोड़ने पर विवश हो जाएगी। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ है उसके बाद इस गोरी सरकार का टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो फिर भी हमें रिहा नहीं करेंगे तात्या। वो जानते हैं कि उनके विरुद्ध हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं
उसे अंतिम सांस तक लड़ने की हमने शपथ ली है। झूठ कर भी हम चुप नहीं बैठेंगे। आप सच कह रहे हैं बाबा राव, फिर भी देश में आंदोलन होने लगे हैं। हमारी रिहाई के लिए 75,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। तिलक इन कारणों से छूटकर कहीं हमारी साधना तो हल्की नहीं पड़ेगी तात्या? ये आप क्या कह रहे हैं, सैकड़ों लोगों की इच्छा और सद्भावना के कारण तो हमारी मुक्ति और भी स्वीकरणीय होगी। वैसे भी यहां से जाने के बाद हमें देश और समाज की ही तो सेवा करनी है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सावरकर, आपको यहां से इंडिया ट्रांसफर किया जा रहा है। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम कालापानी। आपका ब्रदर भी आपके साथ जाएगा। आई होप इंडिया वापस जाने के बाद यहां बिताए हुए 10-11 साल आपको याद भी नहीं रहेंगे। नहीं सुपरिंटेंडेंट साहब, यहां बिताए हुए हर पल ने मेरे संकल्प को और भी शक्ति दी है। इन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता सर। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर सावरकर। थैंक यू वेरी मच सर। दरवाजा खोलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बड़े बाबू नमस्कार। बड़े बाबू नमस्कार। पहचाना मुझे? तुम्हारा नाम? मैं रामशरण, अंडमान जेल में था। अक्सर भोजन के समय मैं आपसे मिला करता था। आप ही ने तो मुझे लिखना सिखाया था। अरे हाँ, याद आया, तुम बहुत पहले छूट गए थे। जी। और मैंने तुम्हें कुछ कविताएं दी थी। वो मैंने आपके छोटे भाई तक पहुंचा दी थी, और आपने जो मुझे लेख याद करवाया था वो भी मैंने उन्हें लिखवा दिया था। इस तीर्थ स्थान की यात्रा पर कैसे निकला है? ठीक कहा आपने, यह तीर्थ यात्रा ही तो है। गांधी जी के आह्वान पर हम असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें सारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ हैं, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि हमें खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हिंदुओं और मुसलमानों में एकता हो जाए तो एक ही वर्ष के भीतर हमें स्वराज्य मिल जाएगा और आप जल्दी छूट जाएंगे।
ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने। तुम्हें विश्वास है इस बात का? पक्का विश्वास है। पर अभी मैं देख रहा था, जब तुम लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगा रहे थे, तुम्हारे मुसलमान साथी चुप थे। आपको भ्रम हुआ है बड़े बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। हवलदार आ रहा है, अभी तुम जाओ, बाद में बातें करेंगे। ठीक है। आ जाओ। आ जाओ। नमस्कार बड़े बाबू, ये मेरे कुछ साथी हैं, मेरे साथ खिलाफत आंदोलन में हैं। ये अजमल है। आदाब। ये हुसैन है। आदाब। और ये शाबुद्दीन। आदाब। ये सावरकर हैं, विनायक सावरकर। वही सावरकर जिन्होंने जहाज के ऊपर से समुद्र में छलांग लगाई थी? हाँ हाँ। 11 बरस काला पानी में रहने के बाद अभी ये यहाँ आए हैं। 11 बरस? हाँ। जनाब, आपको कितने बरसों की कैद हुई है? 50 वर्षों की, 2 उम्र कैदे हैं। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे क्यों नहीं लगा रहे थे? हम इस तहरीक में इसलिए शामिल हुए हैं कि अंग्रेज तुर्की पर अपना कब्जा ना जमाए। उन्होंने तुर्की को युद्ध में जीता है, मगर वहां के बादशाह को हम अपना खलीफा मानते हैं। वो इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, और अंग्रेजों को क्या हक है कि वहां की हुकूमत को बर्खास्त कर दे? इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। गांधी जी तो मुसलमान नहीं, वो फिर भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, वो तो हथियार उठाने के विरोधी हैं। क्या तुम भी हो? नहीं, हम मुसलमान हैं, अगर वक्त आया तो हम हथियार भी उठाएंगे। अगर तुम गांधी जी की शिक्षा ही नहीं मानते तो उनके साथ क्यों हो? हम गांधी जी के साथ नहीं हैं, गांधी जी हमारे साथ हैं। गांधी जी क्यों मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि तुर्की का बादशाह ही तुम्हारा बादशाह है? क्या वो समझते हैं कि मुसलमान पहले मुसलमान है और बाद में हिंदुस्तानी? मैं अब समझ गया कि मोपला मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के जोश में आकर हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए, क्यों वहां हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई, हजारों हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, सैकड़ों औरतों का शील भंग किया गया, बच्चों को काट दिया गया। फिर भी ये हिंदू खिलाफत आंदोलन में उनका साथ क्यों दे रहे हैं? क्यों? किसने इन्हें गुमराह कर दिया? मैं इन्हें बताऊंगा कि वो क्यों गुमराह हो गए हैं। वो भूल गए हैं कि वो हिंदू हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि हिंदुत्व क्या है। क्या है हिंदुत्व? हिंदू हमारा नाम है और हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। सभी हिंदू एक हैं, हमारा राष्ट्र एक है, एक राष्ट्र, एक जाति और एक संस्कृति के आधार पर ही हम हिंदुओं की एकता आधारित है। वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो हिमालय से समुद्र तक इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वंदना करते हैं, जिसकी धमनियों में उस महान जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है जिसका मूल सर्वप्रथम सप्त सिंधुओं में परिलक्षित होता रहा है और जो विश्व में हिंदू नाम से सुविख्यात है। हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में यह पवित्र भाव जागृत कर सके कि हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद कुछ और। भारतीय राष्ट्र का सारभूत विवेचन जो इस काल कोठरी में किया गया, वो सिखों के बीच में से कैसे बाहर निकल गया और कैसे प्रकाशित होकर लोगों के पास पहुंचा, किसी को कुछ पता न चला। उधर अंग्रेज सरकार अपार जन समर्थन के दबाव से मजबूर होकर विनायक दामोदर सावरकर को रिहा करने पर विवश हो गई। बंबई राज्य के गवर्नर खुद जेल में उनके पास आए और उनके सामने 2 शर्तें रखी। पहली ये कि उन्हें जिस नगर में रखा जाएगा वे वहां से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त
कि वे किसी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लेंगे। सावरकर जी द्वारा इन शर्तों को मान लेने पर उन्हें रत्नागिरी में स्थानबद्ध कर दिया गया। लोग उनके दर्शनार्थ आने लगे। उनमें प्रमुख थे डॉक्टर हेडगेवार। मैं पहले क्रांतिकारियों में भी था, फिर गांधी जी के रास्ते पर भी चला, परंतु खिलाफत के कारण वहां पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। आपकी पुस्तक ने तो वो सब कुछ कह डाला जो मेरे मन में था। आपने छद्मनाम भी खूब रखा, मराठा। मैं उसे छद्मनाम नहीं, अपनी वास्तविकता कहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी गतिविधियों से भलीभांति परिचित हूं। आप वही कर रहे हैं जिसकी कल्पना मैंने भी की है। आने वाली पीढ़ियों को आने वाले समय के अनुसार तैयार करना बड़ा आवश्यक है। किंतु सरकार ने आपको राजनीति में भाग लेने से मना कर रखा है। मैं क्रांतिकारी हूं, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। जिस सरकार ने राजनीति में भाग न लेने की मुझ पर पाबंदी लगाई है, वो नहीं जानती कि राजनीति से ना तो समाज अलग है और ना धर्म। हिंदुत्व की कल्पना साकार होगी तो राजनीति में भी बदलाव आएगा। हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों को हमें दूर करना है। सबसे पहले छुआछूत और जाति भेद जैसी बुराइयों से हमें लड़ना है, और ये लड़ाई बहुत कठिन है। आज अगर पेशवाई होती तो इस सावरकर को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता। हम उसे अपने इस पवित्र मंदिर को अपवित्र नहीं करने देंगे। हम अपने प्राण दे देंगे लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। अब भी अगर सावरकर ने अपना हाथ नहीं छोड़ा तो आज खून की नदियां बह जाएंगी। अगर आप इन लोगों को साथ लेकर मंदिर में दाखिल हुए तो दंगा होने का खतरा है, इसलिए मैं आपको आप मुझे इन लोगों से बात करने की अनुमति तो दे सकते हैं? केवल आप ही उनसे बात कर सकते हैं। अंदर जाइए। ठीक है, इन्हें रास्ता दो, हटो। ये कैसी विडंबना है? अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो भूल कर रहे हैं कि मैं अपने साथ इन लोगों को इसलिए लाया हूं कि यहां इनका उद्धार होगा। नहीं, इन्हें छूने से इनका उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो आप लोगों का होगा। इन्हें गले लगाकर आप अपने पापों से मुक्त होंगे। हमें अपना उद्धार नहीं करना है। हम उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हममें और इनमें अंतर है। कोई अंतर नहीं है, आप भ्रम में हैं। जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करना छोड़िए। आप हिंदू हैं, केवल हिंदू। आपने क्यों अपने धर्म को केवल कपड़ों, जनेऊ, चोटी और गौमूत्र तक सीमित कर रखा है? ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व कागज पर लिखी हुई पोथी नहीं है जो कागज के फटने से चूर चूर हो जाएगी। हिंदुत्व महान जाति का जीवन दर्शन है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। अपने धर्म की महानता और गरिमा को कम मत कीजिए। हमें उपदेश मत दो। हमें आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। क्या इसलिए कि सच्ची बात कड़वी होती है? आप लोग कुत्ते को छूते हो, सांप को दूध पिलाते हो, चूहे का खून पीने वाली बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खाना खाते हो, लेकिन अपने ही जैसे इन मनुष्यों को जो
जो तुम्हारे समान राम और कृष्ण के भक्त हैं, छूते भी नहीं। ये क्या हो गया है तुम्हें? जागो, सोचो, समझो। चार वर्णों की व्यवस्था ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसे त्याग दो, इस विष का नाश कर दो। सभी युगों में एक आचार धर्म टिक नहीं सकता। इसे समय अनुसार बनाओ। अपने ही जैसे 7 करोड़ भाई बंधु, जिन्हें तुम निम्न वर्ग का कहते हो, अगर दूसरे धर्म में चले गए तो हिंदू धर्म के लिए 7 करोड़ शत्रुओं का ही निर्माण होगा। इस लज्जाजनक स्थिति को बदल दो, अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो समय आएगा कि तुम क्षमा के पात्र भी नहीं रह जाओगे। ये विट्ठल का मंदिर है। विट्ठल मंदिर में ही नहीं, सबके दिलों में भी है। जब वे दिलों में हैं, तो उनके चरणों में जाने का अधिकार इन्हें क्यों नहीं? क्या ये हिंदू नहीं? क्या इनकी रगों में आप जैसा लहू नहीं? आप तो उस महान धर्म के अनुयायी हैं जो मानता है कि सब में एक आत्मा है। आपने अपनी दृष्टि, अपनी सोच इतनी संकीर्ण कैसे बना ली? आपकी भक्ति, आपके ज्ञान और आपके कर्म का क्षेत्र इतना छोटा कैसे हो गया? विट्ठल की दया ममता तो असीम है, अनंत है। वे तो सबके हैं, वे सबको बुला रहे हैं। अपने इन बंधुओं का रास्ता रोककर विट्ठल की सर्वप्रियता का अपमान मत करो। इन्हें भी उनके चरणों में आने दो। ये भी उनकी दया ममता के पात्र हैं, जैसे तुम हो। आने दो। सब लोग मिलकर आगे बढ़ो। चलो आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मिलकर आगे बढ़ो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो, हाँ, आगे बढ़ो। बोला पुंडलिक बंदे। हाँ। विट्ठल मंदिर में सभी जातियों के लोगों का प्रवेश एक अभूतपूर्व घटना थी। परंतु पतित पावन मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति भगवान के चरण स्पर्श भी कर सकता है, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पतित पावन मंदिर में शंकराचार्य जी के गले में एक मैला ढोने वाले ने फूल माला भी पहनाई, और यह सब कुछ सेठ भागोजी कीर के कारण हुआ। यह आप क्या कह रहे हैं? यहां रत्नागिरी में जो कुछ हो रहा है आपकी ही प्रेरणा से हो रहा है। सेठ जी सच कह रहे हैं, आपने जाति भेद का विचार किए बिना बच्चों को शिक्षा दी, सहभोज आयोजित किए, आपने तात्या राव लोगों की मानसिकता ही बदल दी। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना तात्या? पसीना आ रहा है, थोड़ा ताप भी है। अपना ध्यान रखो, अभी तुम्हें बहुत काम करने हैं। तुमने सुना गांधी जी रत्नागिरी आ रहे हैं? यहां आ रहे हैं? हाँ, नासिक में कोई पुणे से आया था, उसने बताया। ये सच भी हो सकता है? तुम मिलोगे उनसे? ये तो गांधी जी पर निर्भर करता है, यदि वो मिलना चाहे तो। समय हो गया है, गांधी जी कभी विलंब से नहीं आते। बाबा राव, तुम इन लोगों को यहीं रोक कर रखना, कहीं गांधी जी को असुविधा ना हो। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! विनायक सावरकर की जय! कैसे हैं आप? आइए, सावरकर की जय! आइए, महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता, नमस्कार। शिंदे जी संघ कार्यकर्ता है, सेठ भागो जी कीर छुआछूत निवारण के लिए काम कर रहे हैं। आइए। जय! नायक सावरकर की जय! नायक सावरकर की।
मेरी धर्मपत्नी। सावरकर से अधिक तो आपका बलिदान है। आइए। महात्मा गांधी की जय। विनायक सावरकर की जय। विनायक सावरकर की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। विनायक सावरकर की बैठिए। विनायक सावरकर की जय। आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं खुद चलकर आपको लेने आता परंतु अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका। इतने वर्षों बाद आपसे भेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। लंदन में मिले थे, वो दशहरे का दिन था। हाँ, तब वहाँ इंडिया हाउस में भी आपके स्वागत का सुअवसर प्राप्त हुआ था। बहुत समय बीत गया। आपने रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं वे शोषित हैं, पीड़ित हैं। मेरे विचार में जिस जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उलझने बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। चार वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है, वो नेचुरल है और जरूरी भी। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई, वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी, कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूं, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझ कर, भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए? हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है अब उनका कोई उपयोग नहीं है, मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म होगा। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो, लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है, शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते, और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए, संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है।
मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। कई दिनों से देख रही हूं, बड़े बेचैन हैं आप। जब से भगत सिंह को फांसी हुई है मेरे लिए आराम से बैठना बहुत कठिन हो गया है। कुछ भी तो नहीं कर सका मैं। उस दिन चव्हाण मिलने के लिए आया था, उसकी भी चिंता है। इस नगर में सरकार ने आपको बंदी बनाकर रखा हुआ है, मगर बंदी होते हुए भी आप संसार की चिंता। क्या करूं, मुझे विधाता ने कुछ ऐसी ही मिट्टी से बनाया है। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे लिए कप चाय लेकर आओ, मैं तब तक भगत सिंह की कविता लिख लेता हूं। इसे नाशिक और पुणे भेजना है, वहां इसका गाया जाना बहुत जरूरी है। क्षमा कीजिएगा तात्याराव। हाँ हाँ आइए, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। जो करना है कीजिए, हमारे लिए तो यह हर दिन की बात हो गई है और आपके लिए भी। मुझे खेद है मैं आप लोगों की असुविधा का कारण बन रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं, परंतु क्या मैं जान सकता हूं कि आज की तलाशी किस बात के लिए है? तात्याराव, आप जो भी करते हैं उसकी खबर दिल्ली तक जाती है, कभी कभी लंदन तक भी जाती है। आप ठीक कहते हैं। आज सवेरे प्रभात फेरी में युवक मंडली ने भगत सिंह के संबंध में जो गीत गाया है उसके बारे में सबका यही कहना है कि वो आपने लिखा है। मैं उसका ही प्रमाण ढूंढने आया हूं। आप अपना काम शुरू कीजिए। क्या मैं इन लोगों को अंदर जाने के लिए कह सकता हूं? अवश्य। तुम लोग अंदर जाकर तलाशी लो। उस कविता के अतिरिक्त भी तो कुछ होगा जिसकी आपको तलाश है। तात्याराव, आज से कुछ रोज पहले वामन चौहान नाम का लड़का आपसे आकर मिला था, क्या वो आया था? मैं इस नाम के किसी लड़के को नहीं जानता। उसने बंबई के एक सार्जेंट पर गोली चलाई है, वो पकड़ लिया गया है। उसने आपका नाम नहीं बताया, परंतु आज से कुछ रोज पहले वो रत्नागिरी में था। अच्छा मैं उस तरफ देखता हूं, कुछ मिला? जी नहीं। माझी जन्मा ठे। चलो बहुत हो गया, आओ मेरे साथ, तुम भी आओ। तात्याराव, आपकी कविता तो नहीं मिली। हाँ, आपकी पुस्तक की प्रतियां लेकर जा रहा हूं, माझी जन्म ठेप, क्योंकि इन पे पाबंदी लग चुकी है। अवश्य ले जाइए, वैसे भी लोगों के पास इसकी काफी प्रतियां हैं। ये पैम्फलेट्स भी साथ लेकर जा रहा हूं, इनकी रसीद बनाकर देता हूं आपको। एक कागज तो दीजिए।
तात्या राव, सुना है आप बाल गंधर्व का नाटक देखने जा रहे हैं। मैंने शर्त रखी है, उन्हें उनके साथ बैठकर खाना खाना होगा, जिन्हें अछूत कहा जाता है। वो मान गए? मानेंगे तो नाटक देखने जाऊंगा। अच्छा चलता हूं, नमस्कार। नमस्कार। ठहरिए। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और भयंकर हथियार पर तो आपकी निगाह ही नहीं पड़ी। ये पेन बंदूकों, तोपों और बमों से ज्यादा काम करता है। तात्या राव, अभी तक इस हथियार की जब्ती का कोई कानून नहीं बना। यही मेरा सौभाग्य है। चलता हूं। वो देखो तातारा को लेके जा रहे हैं। हाँ, चलो, 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 चलो देखते हैं। अरे सावरकर जी फिर पकड़े गए। अरे भैया ये संभाल, मैं अभी आया। ये पुलिस सावरकर जी को लेकर कहाँ जा रही है? अरे हाँ चलो देखें। हाँ साहब, साहब नगर के सब लोग इसी तरफ आ रहे हैं, बहुत भीड़ है, उनमें विनायक सावरकर जी भी हैं। आप सब भी तात्या राव के साथ आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। 27 साल की कैद के बाद सरकार ने सावरकर जी की रिहाई का आदेश भेजा है। तात्या राव जी की जय! तात्या राव जी की जय! अब ये कहीं भी जा सकते हैं और राजनीति में भी भाग ले सकते हैं। तात्या राव जी की जय! तात्या राव जी की जय! तात्या राव जी की जय! आज 10 मई 1937 का दिन है। आज ही के दिन 10 मई 1857 में स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध आरंभ हुआ था। आज से मेरा एक नया युद्ध आरंभ होगा। अब इस लहर को कोई नहीं रोक सकता। भारत के युवकों आगे बढ़ो, हथियार उठाओ और भारत माँ के पांव में पड़ी हुई बेड़ियों को काट दो। अब हमें यह सोचकर नहीं लड़ना कि अपने प्राण देने हैं, अब हमें जीवित रहने के लिए लड़ना है। हमें शहीद नहीं विजेता बनना है। सारे विश्व पर युद्ध के बादल छा गए हैं, हमें स्वयं अपनी सुरक्षा के उपाय करने होंगे। भारत के विद्यालयों और महाविद्यालयों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और युवकों को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। अन्याय एवं हिंसा का विरोध नहीं करना ही हिंसा है। ये मत भूलिए कि शत्रु को मारने का विचार ही जब हमने मार दिया तो हमारे देश की हत्या हो गई। और मैं कहता हूं भला हम में सामर्थ्य क्यों नहीं, हम में ऐसी क्या कमी है? एक देश, एक भाषा, एक लिपि, एक इतिहास, एक अतीत, एक भविष्य, एक संस्कृति, एक पितृभूमि, एक पुण्य भूमि, इतने आत्म संबंधों से जुड़े हुए 30 करोड़ लोगों का यह देश महान राष्ट्रों में महानतम है। तात्या राव, श्री सुभाष चंद्र बोस आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर ले आओ। जी अच्छा। और सुनो। जी। एक बात का ध्यान रखना। जी। हमारे बीच जो कुछ भी बातें हों उन्हें कोई ना सुने, तुम भी नहीं। जी। नमस्कार।
आइए। नमस्कार। 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 आप कैसे हैं? अच्छा हूं, आइए। आइए बैठिए। मुझे आपका आना अच्छा लगा। मैं अभी मिस्टर जिन्ना से मिलकर आ रहा हूं। विश्व युद्ध हमारे सामने है, तो अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल बीच में आता है, इसी संबंध में मैं मिस्टर जिन्ना से मिलने गया था। पहले आप बताइए क्या लेंगे। मैं अभी मिस्टर जिन्ना के साथ चाय पीकर आ रहा हूं। आपको आश्चर्य होगा, मिस्टर जिन्ना ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किसकी तरफ से उन्हें मिलने आया हूं। मैंने कहा कांग्रेस की तरफ से। वो बोले कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तो आप इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक कहा उन्होंने। तो मैंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से तो मैं बात कर ही सकता हूं। वो बोले कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता, मैं मुसलमानों का लीडर हूं और कोई हिंदू होने के नाते ही मुझसे बात कर सकता है। उनके विचार में हिंदुओं के लीडर आप ही हैं। उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि मैं आपसे मिलूं। मुझे मिस्टर जिन्ना का आभार मानना होगा कि आपसे मिलने का सुअवसर दिया। आप स्वभाव से क्रांतिकारी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कलकत्ता में आप हॉलवेल का पुतला उखाड़ने वाले हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के दिल में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा जगाए रखना जरूरी है। इस आंदोलन के बहाने सरकार आपको जेल में डाल सकती है, और इस समय आपका जेल में रहना देश हित में नहीं है। ठहरिए जरा। राजबिहारी बोस का पत्र है, जापान से। विचित्र बात है, वो आपको पत्र लिखते हैं। उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी? पहले विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों के शत्रुओं ने हमारी मदद की थी, मगर हमें सफलता नहीं मिली। इस बार, हाँ इस बार यदि हम चाहें तो सफल हो सकते हैं। और अब आपको पता चला होगा कि मैं हिंदू युवकों से सेना में भर्ती होने के लिए क्यों कहता हूं। यही क्रांति का रास्ता है। हमारे जिन युवकों को जर्मनी और इटली द्वारा बंदी बना लिया गया है, वो फिर से मातृभूमि के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। जिन अंग्रेजों ने 100 बरस पहले हमसे हमारे शस्त्र छीन लिए थे, आज वही अंग्रेज हमें शस्त्र देने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं इतने वर्षों से हिंदू युवकों से कहता आ रहा हूं, सेना में जाइए, बंदूकें उठाइए। हाथ में बंदूकें होंगी तो वो ये भी सोच लेंगे कि अवसर आने पर बंदूक की नोक किस दिशा में मोड़नी है। आपने चिट्ठी में पढ़ लिया है कि जापान भी युद्ध में कूदने के लिए तैयार है। राजबिहारी बोस विधिवत रूप से सेना का संगठन करना चाहते हैं। इतिहास करवट ले रहा है सुभाष बाबू, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। ब्रिटेन युद्ध में कूद चुका है, अगर एक हिंदी सेना उनके सामने खड़ी कर दी जाए तो वे स्वयं ही हिंदुस्तानियों को स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब हमें एक नए चक्रव्यूह का सामना करना है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के साथ ही सारे देश में दंगे फसाद शुरू कर दिए हैं। वे लोग अंग्रेजों और कांग्रेस वालों को डराना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की मांग मान ली जाए, परंतु हम उनसे नहीं डरते। हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ऐ मुस्लिम देशवासियों, भारत तुम्हारी जन्मभूमि है,
इस देश की संस्कृति तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारे बाप दादा की संस्कृति है, इसके टुकड़े मत करो। अगर तुम हमारे साथ हो तो तुम्हारे साथ मिलकर, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम्हारे बगैर, और अगर तुम हमारा विरोध करते हो तो हम तुम्हारे विरोध को कुचलकर अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे। यही समय है आप अल्पसंख्यकों को प्रसन्न करने की नीति का विरोध करें, उन्हें ब्लैंक चेक देने का विरोध करें, देश के विनाशकारी विभाजन का विरोध करें। नमस्कार। तुम आ गए तात्या। आप लेटे रहिए, लेटे रहिए। तुम्हें देखने की इच्छा थी तात्या, अब सुख से जाऊंगा। बाबा राव, मुझे पता चला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके राष्ट्रीय सैनिकों ने अंडमान जाकर वहां सेलुलर जेल को सैल्यूट किया, क्योंकि वहां आप जैसे महान कर्मयोगी देशभक्त बंदी थे। ये सुनकर आपको अच्छा लगा ना? मैंने ये भी सुना तात्या कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो पर कहा कि भारत के समस्त नेताओं में केवल वीर सावरकर ही दूरदृष्टा है, जिन्होंने भारत के युवकों को सेना में जाने के लिए कहा। क्या बात है तात्या, तुम उदास दिख रहे हो। आपकी चिंता है मुझे। जीवन में पहली बार तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तात्या। मेरे कारण तुम उदास हो सकते हो, मगर तुम्हारी आंखों में जो सपना हमेशा चमकता रहता था वो आज बुझ क्यों रहा है? बाबा राव, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है देश दो हिस्सों में बटकर रहेगा, विभाजन होगा। क्या तुम भी इसे रोक नहीं पाओगे तात्या? हजारों लाखों लोगों ने खंड खंड भूमि की स्वतंत्रता के लिए तो बलिदान नहीं दिए। अगर मैं दूर की बात देख सकता हूं तो यह षड्यंत्र अपना काम कर चुका है। मगर सभी कांग्रेस वाले उनकी बात क्यों मानेंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोई गवर्नर जनरल बनेगा, कोई प्रधानमंत्री, अनेक मंत्री देश के टुकड़े होंगे, परंतु उनका स्वार्थ तो सिद्ध होगा। यह देश किसी की निजी संपत्ति नहीं है कि वो आपस में बांट लें। उन्हें रोको तात्या, उन्हें रोको। नहीं, अब ये मेरे वश की बात नहीं है। मुझे बहुत भयानक चित्र दिखाई दे रहे हैं, बहुत भयानक। विभाजित होकर भी यह देश अनेक अर्थों में एक जीव, एक राष्ट्र, एक छत्र बन गया है। केवल सिंधु नदी ही इससे अलग हुई है। जब तक एक भी हिंदू जीवित है हम उसे नहीं भूलेंगे। इस दुनिया में यदि हमें हिंदू राष्ट्र के नाते स्वाभिमान से जीवन जीना है तो उसका हमें पूरा अधिकार है, और वो राष्ट्र
हिंदू राष्ट्र के नाम से स्थापित होगा। इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में मेरी यह महत्वाकांक्षा अवश्य सत्य सिद्ध होगी। यदि वो गलत साबित हुई तो मैं पागल कहलाऊंगा, और सत्य सिद्ध हुई तो लोग मुझे दृष्टा कहेंगे। मैं अपना ये उत्तराधिकार तुम्हें सौंप रहा हूं। Thank you.